नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 25 अगस्त, कल के सेशन की अगर बात करें तो एग्री डेस्क के अंदर हमने 1100 का भी लेवल क्रॉस करते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है एग्री में तेजी का रुख रहेगा। एग्री डेस्क 10 लिक्विड कमोडिटी का एक इंडेक्स है। एग्री डेस्क में अगर तेजी रहती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव। तो कल 1% के करीब की तेजी हमने देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते। साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं, जिस ढंग से काफी भारी बारिश और फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, एमपी, यहाँ पे हमने देखा स्टैंडिंग क्रॉप, खरीफ क्रॉप की जो स्टैंडिंग क्रॉप है उस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल एग्री के सेंटिमेंट को पॉजिटिव करेगा। ट्रेड सेटअप की बात करें तो वैसे सोयाबीन में हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं, बट स्टैंडिंग क्रॉप को कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुई है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है और 3800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी क्रॉप साइज काफी ज्यादा है, तो आज का ट्रेड 3780 से लेकर 3840 के बीच में रहेगा। वहीं रिफाइंड ऑयल में अच्छी तेजी के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी थी, जैसे कल हमने कहा था। आज भी मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हुए। 870 का लेवल अगर ब्रिज कर जाए तो 878 के टारगेट के लिए रिफाइंड ऑयल लेके चलना चाहिए। मस्टर्ड टेक्निकली ओवरशूट कर चुका है, 5200 के ऊपर काउंटर अभी भी स्ट्रांग है, जो 5280 से 5320 तक का लेवल दिखा सकता है। कैस्टर 4 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट फंडामेंटल पॉजिटिव होते हुए जा रहे हैं। कुछ जगह पे हमने देखा है कि मार्केट में टाइट सप्लाई बनी हुई है, साथ में थोड़े बहुत मार्केट में ऑर्डर्स भी बढ़ना चालू हुआ है और स्टैंडिंग क्रॉप को भी खतरा है, क्योंकि जिस ढंग से गुजरात में बारिश बढ़ी है कहीं ना कहीं खतरा स्टैंडिंग क्रॉप को भी रहनी चाहिए। तो 4040 का लेवल अगर तोड़ के होल्ड करता है तो बड़ी रैली के लिए कैस्टर तैयार है। मसालों के अंदर भी हल्दी में हमने 4% की तेजी, हमारा पोजिशनल कॉल अभी भी वैलिड है। जो 6000 का लेवल क्रॉस करने पे हमने आपको 6600 तक का टारगेट बताया था, तो ओवरऑल हल्दी में आप लेके चलिए। जीरे में जब तक 14600 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं करता है, 14000 से 14600 के बीच में ही ट्रेड करेगा। धनिया 6840 के लिए बाय कीजिए, 6840 का लेवल तोड़ दे तो हम 7000 का भी लेवल तोड़ पाएंगे। चने में तेजी कायम है, जिस ढंग से हमने कहा था अभी भी 6650 के लिए लिया जा सकता है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है बट फंडामेंटल मजबूत है। कॉटन सीड ऑयल के आज दिन के सेशन में गिरावट रह सकती है, जो 1920 1940 तक का लेवल दिखाकर फिर तेजी करेगा। 2040 का अगला पड़ाव है, 2040 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी रखेंगे। गवार सीड गवार गम दोनों ही काउंटर आज तेज रहेंगे। कल जैसे हमने गिरावट देखी, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 4100 के करीब लेके चलिए, 6550 के करीब गवार गम को लेके चलिए। ओवरऑल टारगेट 4200 का लेवल तोड़ के 4400 गवार सीड का और 6600 का लेवल तोड़ के 7200 का लेवल अगले हफ्ता 10 दिन में हम देख पाएंगे। वहीं मेंथा ऑयल सितंबर वायदे में थोड़ी गिरावट जरूर है, बट लोअर लेवल्स पे लेके चलना चाहिए 1020 के टारगेट के लिए। सीपीओ 750 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, ओवरऑल 774 का टारगेट देखने मिल जाएगा। कॉटन में 17000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 17400 तक का लेवल दिखा देगा। एग्री डेस्क की अगर इंडेक्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंट अब अभी भी दिखा रहा है, जो 1124 से 1140 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर क्रूड पॉम ऑयल की बात करें तो काउंटर 774 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। कॉटन में तेजी जारी है, जो 17400 से 17500 का इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा है। वही कॉटन सीड ऑयल केक में हम मंदी नहीं बोल रहे, बट एक रूटीन गिरावट मिलेगी, उसके बाद तेजी कर सकता है, जो 1920 1940 का लेवल दिखाने के बाद 2040 का लेवल अगर तोड़ देता है तो 2150 के लिए हम लेके चलेंगे, बट एक गिरावट पॉसिबल रह सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।